हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसे हॉर्न के बारे में बताऊंगा जो कि है तो ट्रम्पेट हॉर्न, पर इसके कनेक्शन के लिए ना तो आपको कोई रिले चाहिए होगा और ना ही इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको अलग से कोई जगह ढूंढना होगा। खासकर उन बाइक्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होगा जिसमें कि सिंगल हॉर्न होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद हम इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये है हेला मैस ट्रम्पेट लो टोन हॉर्न और ये स्पेशली हीरो और बजाज के बाइक्स के लिए है, पर इसको आप और भी बाइक्स में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो MRP है वो 285 है, पर मैंने इसको अमेजोन पे सेल पे परचेस किया था तो उस टाइम मुझे 220 का पड़ा था। इसको आप 12 वोल्ट व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, पर ये स्पेशली उन बाइक्स के लिए है जिसमें कि सिंगल हॉर्न होता है। तो जिसमें कि डबल हॉर्न होता है तो उसमें तो वैसे ही साउंड लाउड होता है, तो सिंगल हॉर्न वाले के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इसकी जो सबसे खास बात है वो है इसका कॉम्पैक्ट साइज, और इसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल प्लग एंड प्ले है, तो इसमें आपको अलग से कोई रिले का यूज़ नहीं करना है। और बात करें इसकी इंस्टॉलेशन की, तो बाइक्स में तो बिल्कुल वहीं ये इंस्टॉल हो जाएगा जहाँ की पुराना वाला हॉर्न है, और स्कूटी की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका जो करंट कंजम्पशन है वो भी बिल्कुल कम है। इसकी जो वारंटी है वो 6 मंथ्स मैन्युफैक्चरर वारंटी है। तो सबसे पहले हम इस पैनल को रिमूव करेंगे, और इस पैनल को रिमूव करने के लिए जो आपको स्क्रू रिमूव करना है, एक आपको यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ, इसी तरह उस साइड भी होगा 3 स्क्रू, और आपको 2 आगे के साइड मिलेगा, एक यहाँ पे और इसी तरह एक उस साइड। तो इसको रिमूव करने में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैंने पहले भी इसको रिमूव करके दिखाया वीडियो में, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। पैनल को रिमूव करने के बाद अब जो इसका इंडिकेटर वाला सॉकेट है, पहले इसको निकाल के और पैनल को एक साइड में कहीं सेफ जगह पर रख लेना है, फिर हम हॉर्न का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अब पैनल रिमूव करने के बाद अब हमें इस वाले हॉर्न को रिमूव करना है, तो सबसे पहले जो इसका हॉर्न पिन जो होता है उसको पहले निकाल लेना है। इनको निकालने के बाद अब यहाँ जो स्क्रू है ये 10 mm का है, तो इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं, फिर ये पूरा ही रिमूव हो जाएगा। तो कंपनी वाला हॉर्न को निकालने के बाद अब जो ये वाला हॉर्न है यहाँ पे नहीं होगा इंस्टॉल, क्योंकि इसका पैनल फिर लगेगा नहीं। जो मैंने पिछले बार वीडियो बनाया था 2 हॉर्न को जो इंस्टॉल करके मैंने दिखाया था, उसी जगह पे मैं इस हॉर्न को इंस्टॉल करूँगा। तो वो मैंने बैटरी के पीछे बताया था, तो मैं फटाफट बैटरी रिमूव कर लेता हूँ, और अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है बैटरी रिमूव करने में तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हॉर्न को मैंने यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल कर दिया जैसे कि मैंने पिछले बार वाला जो हॉर्न था उसी जगह पर इसको इंस्टॉल किया है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से इस वाले नट में इसको इंस्टॉल किया है और हल्का सा बेंड किया है, और आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी टच नहीं हो रहा है। इस तरह के हॉर्न को हम स्कूटी में ही प्रॉब्लम होता है थोड़ा इसको इंस्टॉल करना, बाकी बाइक में तो जहाँ पे जो पुराना वाला हॉर्न था वहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा। और ब्लेजर में तो आपको पता ही है अंदर साइड वैसे ही कहीं स्पेस नहीं है, और पैनल का जो दोनों इंडिकेटर वाला जो पीछे वाला जो साइड है वो कुछ ज़्यादा ही स्पेस लिया हुआ है, तो उस वजह से ये पैनल इसमें नहीं लग पाता है। तो इसको यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद अब जो हमारा पुराना वाला जो हॉर्न का पिन था उसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। कोई सा भी पिन आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके कनेक्शन से पहले हम इसका जो होल्डर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लगा देते हैं इसमें। तो अब हम हॉर्न का साउंड चेक करते हैं। कंपनी वाले हॉर्न के जगह पे कोई और हॉर्न को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं थोड़ा अलग साउंड, तो ये वाला हॉर्न सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, और स्पेशली ये 2-व्हीलर्स के लिए ही बना है, तो आपको इंस्टॉलेशन में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगा और ना ही कनेक्शन में, क्योंकि कनेक्शन इसका बिल्कुल प्लग एंड प्ले है। बाकी आपके ऊपर है, आपको अगर साउंड अच्छा लगता है तभी लगाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।